हेलो मास्टर उज्जवल वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका स्वागत है हमारे एनिमल क्विज पार्ट फोर्टी सिक्स में आर यू रेडी यस इस क्विज के दौरान आपके सामने आएंगे फाइव क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास होंगे टेन सेकेंड्स सो थिंक वेरी केयरफुली बिफोर आंसर लेट अस गेट स्टार्टेड एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट कैटेगरी ऑफ एनिमल इज अ ब्लैक वीडो किस एनिमल की प्रजाति को ब्लैक विडो भी कहते हैं एंड योर ऑप्शन आर ए स्पाइडर बी स्कॉर्पियो सी क्रैब और डी लॉबस्टर ए स्पाइडर लेट मी चेक यस स्पाइडर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स ब्लैक विडो स्पाइडर की ही एक प्रजाति है और यह वर्ल्ड में उन रीजन में पाई जाती है जहां का वेदर शीत उष्ण है मीनिंग टेम्परेट है और इसको ब्लैक वीडो इसलिए कहा जाता है एक तो इसकी बॉडी का कलर ब्लैक है और वीडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आफ्टर मेटिंग यह अपने मेल पार्टनर को खा जाती है और इसको पहचानना बहुत ही इजी है इसकी एबडोमन के ऊपर एक आवर ग्लास का येलो ऑरेंज कलर का साइन होता है जिससे इसकी पहचान की जाती है नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल इज कॉल्ड एन इंजीनियर किस एनिमल को इंजीनियर भी बोला जाता है एंड योर ऑप्शन आर ए स्लोथ बी रैबिट सी कोआला और डी बीवर डी बीवर ओके लेट मी चेक यस बीवर इज अ राइट आंसर फ्रेंड्स बीवर को ही इकोसिस्टम इंजीनियर बोला जाता है बिकॉज इसमें एक बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत बड़े बड़े डैम बना सकता है ऐसा ही एक डैम कनाडा के अल्बर्टा में वुड बफेलो नेशनल पार्क में बीवर्स ने बिल्ड किया इसकी लंबाई अराउंड हाफ अ माइल है बट ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है इवन सैटेलाइट इमेज में भी फ्रेंड्स पिक्चर में आप बीवर्स के द्वारा बिल्ड किया गया डैम देख सकते हैं ये बहुत सारे बीवर्स ने मिलकर इसको बिल्ड किया पापा बीवर्स डैम क्यों बनाते हैं यह आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है एक्चुअली बीवर्स को पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है आउट ऑफ रेनी सीजन भी वो वाटर को इंजॉय कर सकें इसलिए वो डैम बनाते हैं जिसमें वो बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं और यह कमुलेटेड वाटर दूसरे एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और इन डैम्स की हेल्प से हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है पापा बीवर्स डैम बनाते कैसे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीवर्स डैम बनाने के लिए मेनली तीन चीजों का यूज करते हैं मड स्टोन्स एंड ट्रीज स्टोन्स और मड तो ऐसे ही अवेलेबल रहता है और ट्रीज को ये अपने स्ट्रोंग दांतों से काटते हैं उसकी शाखाओं को काटते हैं और उससे डैम बिल्ड करते हैं बीवर्स के टीथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनका कलर भी ऑरेंज कलर होता है जैसे कि आप पिक्चर में बहुत क्लियरली देख सकते हैं तो इन तीनों चीजों की हेल्प से बीवर्स डैम को बिल्ड करते हैं नाउ लेट अस मूव टू योर थर्ड क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नॉन एज फार्मर्स फ्रेंड इनमें से कौन सा जानवर है जिसको किसान का दोस्त माना जाता है और आपके ऑप्शन है ए अर्थ फॉर्म्स बी रैट सी कैट और डी डॉग ए एम्स ओके लेट मी चेक यस दैट्स अ करेक्ट आंसर अर्थ फॉर्म्स अर्थ को हिंदी में केचुआ भी कहते हैं और इसको अंडरग्राउंड फार्मर भी बोला जाता है और इसको फार्मर का बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सॉइल की फर्टिलिटी और उसमें न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है जिस भी मिट्टी में यह रहता है उसमें एयर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सॉइल बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और उस मिट्टी की वाटर को ऑब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यह दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मिंग के लिए और आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केंचुए का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ताकि

रेगिस्तान का जहाज माना जाता है और आपके ऑप्शंस हैं ए डोंकी बी ललामा सी गॉट डी कैमल डी कैमल ओके लेट मी चेक यस दैट्स अ करेक्ट आंसर कैमल कैमल की डेजर्ट में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी की वजह से ही उसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं और ये कैपेबिलिटी उसके यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से होती है और ये यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर कई फैक्टर्स कंसिडर करता है जैसे कि फर्स्ट ऑफ इट्स स्किन उसकी थिक स्किन उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में हेल्प करती है सेकेंड इज उसके लार्ज पैडेड फीड्स जो उसको गर्म सैंड पे चलने में हेल्प करते हैं थर्ड उसकी डबल आई जो डेजर्ट में गर्म सैंड स्टॉम से उसको प्रोटेक्ट करती हैं एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका हम्प कुबड़ जिसमें बहुत ही सारा न्यूट्रिशन और वाटर सेव रहता है जो उसको लंबे समय तक बिना खाए और बिना पिए चलने की ताकत देता है लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू योर लास्ट क्वेश्चन एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नोन एज ह्यूमन बेस्ट फ्रेंड कौन सा जानवर ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है और आपके ऑप्शन हैं ए हॉर्स बी रैट करेक्ट आंसर डॉग डॉग की कंपेनियनशिप और उसकी लॉयल्टी की वजह से ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है व्यूअर्स नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच एफ्रिकन एनिमल इज Also known as the ant bear. sa African Janwar. Ko ant bear Bibola Jata hai. Viewers, you can share your answers in a comment section. We will reply there. Let's move to Ujwal's scorecard. It's 5 out of 5. Congratulations. Thank you, mama. Viewers, if you like our video, please click on a like button. And share your feedback in a comment section. And for such more videos in the future, don't forget to click on a subscribe button. Thank you for watching.